નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાનસાગરમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ છે ચાર ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબનું સોલ્યુશન જોવાના છે એથી પહેલાં આપ જો અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયોને લાઈક કરો મિત્રો સાથે શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે તો ચાલો જોઈએ ધોરણ આઠ વિશે હિન્દી પાઠ છે ચાર ઊઠો ધરાકે અમર સપૂતો જેના અભ્યાસના પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન આપણે જોઈએ છે પહેલો પ્રશ્ન છે આશય સ્પષ્ટ કીજી એટલે કે નવી નીચેની પંક્તિઓ છે એનો આપણે આશય સમજાવવાનો છે યુગ યુગ કે સુમનો સુમનોમે નઈ નઈ મુસ્કાન ભરો ઉઠે ધરો ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો समझूती जो है, उत्तर जो है नौ? हे मातृभूमि के पुत्रों तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजय हुए हो सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बनाई बंधाई है बंधानी है पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर के, हर क्षेत्र क्षेत्र के में नया निर्माण करना है प्रश्न कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है कवि ने सपूतों से कहा कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है देशवासी तुम तो तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं तुम है इन्हें निराश नहीं करना है तुम्हें लोगों में नए प्राण फूकने हैं विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाएं। प्रश्न त्रन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है उसकी रक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं जवाब रेलगाडिया रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग नदिया अभ्यारण्य पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे हम लोगों को पानी का महत्व समझा कर उसका अपव्यय रोकेंगे सरकार द्वारा संक्षित इम, संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुँचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे अभ्यारणों में रक्षित पक्षियों का शिकार होते देख हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे

उनमें नए प्राण का संचार करे युग युग से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए इस प्रकार कवि धरा के सपूत के से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं अगर प्रश्न भेजो कवि नई मुस्कान कहां देखना चाहते हैं? इन उत्तर जो है दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा रहा था, है। विदेशी शासकों, शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं उनके दिलों में उदासी छा गई कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं प्रश्न देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे उत्तर देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा इस मित्र मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे यहाँ बैठ लोग अखबार पढ़ सकेंगे मंडल की तरह से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे प्रश्न चार जो है इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे उठो तरह के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूंगा मैं अपने देश के अप, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा મે લગા કર આપણે જ્ઞાન કા ઉપયોગ દેશ કી સેવા મે ચાઉંગા કે મેં એસે કામ કરું જૌરવ બઢે મે રક્ષા કરવા મે કભી પીછે નહીં હટું આગળ જોઈએ પ્રશ્ન બે દે ગયે કાવ્ય કો પઢ કરશ્ન કે ઉત્તર દીજી એટલે કે આ જે કાવ્ય છે એ કાવ્યને આપણે વાંચવાનું છે પેલા पी एचे आप तो प्रश्नों तो हिमालय हमें क्या संदेश देता है तो हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चय मार्ग पर डटे रहे यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे प्रश्न बीजो जुए मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए तो जवाब में जो है तो मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए उससे घबरा कर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए प्रश्न है, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है तो एनो उत्तर हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया है वह हर कठिनाई से लड़ा वह कभी अपने पथ से डगा नहीं इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है प्रश्न चार जो इस काव्य का भावार्थ लिखिए उत्तर जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं પ્રશ્ન પાંચ ઈસ કાવ્ય કોઈ યોગ્ય શીર્ષક દીજે તો આ જે કવિતા હતું એનું યોગ્ય શીર્ષક હિમાલય સંદેશ આવું આપી શકાય આગળ જોઈએ પ્રશ્ન ત્રણ ચિત્ર કે આધાર પર કવિતા લીખીએ જીસમે નિમ્નલિખિત શબ્દો કા ઉપયોગ કીજે એટલે કે આપણે આનંદ કવિતા લખવાની છે ચિત્રને જોઈ અને આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો છે ફૂલ તિતલી બાદલ વૃક્ષ બારીશ આપણે કાવ્ય આ રીતના બનાવી શકાય धीरे धीरे बादल बरसे फुलवारी में फूल खिलते हैं फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया बारिश ने है रंग जमाया कोई न अब, अब पानी को तरसे धीरे धीरे बादल बरसे आगर अपूर्ण काव्य पूर्ण करो मां खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाओ ઘડી કમર મે લટકાવું આંખો કો ચશ્મા પહના પહના દુ માં છોટી સી લાઠી દે દો ઠક ઠક કરતા જાઉં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહિયાં આપણે આ પાઠ નું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ